नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? नए नए आइडियाज की वीडियो कैसे लग रहे हैं? कमेंट करिए और वीडियो को शेयर जरूर करिए, क्योंकि वीडियो शेयर करेंगे तभी सब्सक्राइबर बढ़ेंगे और सभी लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि मैं आगे बहुत अच्छे अच्छे वीडियो लेके आने वाली हूँ। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, मैंने कुछ दिन पहले अपने लिए एक पर्स ऑनलाइन ऑर्डर किया था। सोचा लिप्पन आर्ट करूंगी, क्योंकि बहुत सारे कमेंट थे कि पर्स पर लिप्पन आर्ट करिए, और जिस तरीके का ये पर्स मुझे दिख रहा था तो मैंने सोचा चलो इस पर बहुत अच्छी लिप्पन आर्ट हो जाएगी और इसे मंगा लेते हैं। काफी कलर भी थे उसके अंदर, तो मुझे ये कलर बहुत अच्छा लगा जो मैंने मंगाया है। मैंने ये कलर इसलिए मंगाया कि सोचा इसके ऊपर कलर बहुत अच्छे आ जाएंगे, सारे कलर हम जो भी देना चाहते हैं सारे खिलकर आएंगे, इसीलिए मैंने ये वाला कलर मंगाया। पर ये देखो, ओपन करने के बाद जो मैंने देखा कि ये तो कॉटन का है, मुझे उसमें रेगजिन जैसा दिख रहा था। और मैंने बहुत ज्यादा कोई डिटेल्स नहीं पढ़ी, तो इसलिए डिटेल्स जरूर पढ़ लेना चाहिए उसमें जो भी लिखी होती है। और इतना देखने के बाद मेरा लिप्पन आर्ट बनाने वाला आइडिया तो हवा हो गया, क्योंकि मैंने जो डिजाइन सोचकर इस पर्स को मंगवाया था वो सारा एकदम से मेरे दिमाग से बाहर। पर उसके बाद मुझे डिजाइन तो इसमें बनाना था, क्योंकि प्लेन पर्स है और अच्छा भी लग रहा है। इसके अंदर आप देख सकते हैं जिप है, साथ में एक पॉकेट भी है और हैंग करने के लिए काफी लंबी डोरी है। तो आज के ऊपर मैं एक कुछ डिफरेंट आर्ट बनाने वाली हूँ, और इसके लिए मैंने यहाँ जिलेटिन पाउच लिया है, और जिलेटिन पाउच के अंदर हवा भर के नहीं उसको अच्छा एयर टाइट बंद कर दिया और ऊपर से जिलेटिन लगा के बिल्कुल पैक कर दिया है, जिससे कि हवा बाहर ना निकले। आज हम इसी से अपनी आर्ट बनाएंगे और इस बैग को तैयार करेंगे। एक प्लेट में मुझे जो भी कलर चाहिए, जो भी कलर मैं यूज करना चाहती हूँ, वो सारे मैंने निकाल लिए हैं, और जिलेटिन के जो कोने का साइड है उसको उस कलर के अंदर डिप करके अपने पर्स के ऊपर मैं हल्का हल्का प्रेस करती जा रही हूँ। यहाँ आपने देखा था कि मैंने पहले कुछ निशान लगा लिए थे पेंसिल से, जिससे कि हमें ये मालूम चल जाए कि हम कहाँ कहाँ फ्लावर बनाना है, और उसके बाद में मैं ये कलर लगाती जा रही हूँ एक के बाद एक। जो भी कलर मुझे अच्छे लग रहे हैं वो मैं इस तरह से लगा करके इसके अंदर फ्लावर बनाती जा रही हूँ। पर इसके अंदर एक गुलाब का फ्लावर बना हुआ दिख रहा है जो कि बहुत सुंदर लग रहा है, और रंग बिरंगे गुलाब मेरे पर्स के ऊपर बहुत प्यारे दिख रहे हैं। व्हाइट भी है, पिंक भी है, येलो है, ब्लू है, रेड कलर है, सारे कलर के गुलाब दिए हैं जो जो इस कलर के ऊपर अच्छे लग रहे हैं। साथ में कुछ लीव्स भी बना दिए हैं। लीव्स को मैंने ड्रॉ नहीं किया था, क्योंकि मैं लीव्स बहुत अच्छी सी प्रैक्टिस हो गई है बनाने की, तो बना लेती हूँ। तो छोटी बड़ी जैसी भी बनी मैंने बना दी हैं, पर अच्छी हैं। और साथ में एक बंच बन के तैयार हो गया, तो फ्लावर का बंच यानी कि बुके स्टाइल में हमारा डिजाइन बना है जो कि बहुत अच्छा लग रहा है। साथ ही आप लोग बोलते हैं आपका और मिरर का चोली दामन का साथ है, बिल्कुल सही, क्योंकि बहुत जगह मिरर यूज करती हूँ। तो आज मैंने इस पर्स में भी 4-6 मिरर लगाई दिए हैं, एक नया लुक देने के लिए मैंने इसके अंदर मिरर का यूज किया है। तो बहुत जल्दी मुश्किल से मुझे इस पर्स को बनाने में आधा से पौन घंटा लगा बस, और ये इतना सुंदर पर्स बनकर तैयार हो गया। इस पर्स को अगर आप भी मंगवाना चाहते हैं तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, और वहां जाकर के आप ऑर्डर कर सकते हैं। इसके ऊपर बहुत तरह की पेंटिंग आप बना सकते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा फैब्रिक है, चेन भी साथ में दी हुई है, साइज भी बहुत परफेक्ट है। तो आप देख सकते हैं, अगर आप मंगवाना चाहते हैं तो बिल्कुल आप मंगवा सकते। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप सभी लोग मुझे जो मैं प्रोडक्ट यूज करती हूँ उनके बारे में पूछते हैं कि ये कहाँ मिलेगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ एक लिंक दी हुई है, जब आप उसको क्लिक करोगे तो वहाँ पर एक स्टोर खुलेगा, वहाँ आपको सारे प्रोडक्ट मिल जाएंगे जो भी मैं यूज करती हूँ, और आप सीधे वहाँ से जाकर के बाय कर सकते हैं। तो ये जो लिंक है ये आपको मेरे डिस्क्रिप्शन के साथ साथ इंस्टा के पेज पर भी दी हुई है, तो वहां से भी आप खरीद सकते। मिलते हैं एक नई आर्ट के साथ।